हम अक्सर हमारे देश के पोल्यूशन लेवल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएस, यूके और यूरोप के देशों में भी पोल्यूशन का लेवल बहुत लोगों के लिए अनसेफ है। यूएस के रिसर्चर्स ने पता किया कि जो भी पीएम 2.5 के मेजर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हेयर के साइज से कम है, वो काफी सीरियस प्रॉब्लम्स रेज करते हैं। जो भी ट्रक्स एंड फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए। इन वन ऑफ द स्टडीज जो पब्लिश हुआ इन बीएमजे, एक एनालिसिस किया गया 60 मिलियन पीपल इन द यूएस एज्ड 65 एंड ओल्डर फ्रॉम 2000 टू 2006, जिनसे ये पता लगा कि जो लोग पीएम 2.5 लेवल से एक्सपोज हुए वो करीबन 7 प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस शो कर रहे थे व्हेन एक्सपोज्ड टू द एवरेज लेवल्स ऑफ पीएम 2.5। अब ये इंक्रीज लेवल से हॉस्पिटल एडमिशन इंक्रीज हुआ बाय 29%। इनफैक्ट WHO रेकमेंडेड लेवल भी सेफ नहीं है। एक सेकंड स्टडी से ये पता चला विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हॉस्पिटल विजिट्स जो अकर हो रहा है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल एज इमरजेंसी विजिट्स फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जब शॉर्ट टर्म पीएम 2.5 बिलो था दी WHO का लिमिट। अब बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ग्रेगरी विलेन्यूस का ये कहना है कि वो कई इफेक्ट्स देख रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन, फ्रॉम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज टू एस्थमा, और ये लोगों को इफेक्ट करता है एट वेरी लो लेवल्स। इनफैक्ट ये सब एजेस को इफेक्ट करता है। यूएस में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पीएम 2.5 का नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथन किया है और यूके और यूरोपियन यूनियन में भी इस चीज को लेकर लोग बहुत सतर्क हैं। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ टाइप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।